क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछूंगा, क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठाना चाहिए? और ये नई प्रथा नहीं है, 3-4-5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी है। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। क्या अडानी मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अडानी जो लगातार फंसे घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अडानी और मोदी के जो संपर्क बताए जा रहे हैं जिस पर लेकर कांग्रेस के तमाम नेता एक के बाद एक बड़े आरोप जड़ रहे हैं और सबूत पेश कर रहे हैं, क्या उसको लेकर तमाम खबरें सामने नहीं आनी चाहिए? क्या जांच एजेंसी नहीं लगनी चाहिए? तमाम सवाल मैं तो खड़ा कर ही रहा हूं, मेरे साथ साथ जो है कांग्रेस के तमाम नेता खड़े कर रहे हैं। पत्रकार होने के नाते मैंने अपनी बात रखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे 10 सवाल सरकार से पूछ लिए, ऐसे 10 सवाल देश की जनता को बता दिए जिस पर जवाब देना तो बनता है। पहले आप इन 10 सवालों को सुनिए जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर बहुत कुछ कहते हुए नजर आते। पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको थोड़ा पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि जो हमने तैयार किया है नोट, तो उसका एक, क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठाना चाहिए? और ये नई प्रथा नहीं है, 3-4-5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी है। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या SBI और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 524 करोड़ अडानी या PO क्यों लगाया गया? ये तो पूछना चाहिए, जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है, हर एक की जिंदगी उसमें है। फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गया? और दूसरा प्रश्न, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला 1,000,000,000,000 रुपया किसका है? क्या ये पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था और सबको मालूम है, जब हमने अंदर भी कहा बाहर, उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जांच पूरी होने तक रोक दिया है? ये भी हम पूछना है। क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या ये पूछना भी गलत है? क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है, ये क्यों? ये भी पूछना गलत है। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना
बंद कर दिया है, क्या ये पूछना भी गुनाह है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से हटा दिया है? और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही, और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप नाम ही वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलूं? तो इसलिए बोलना ही पड़ता। क्या कारण है कि आरबीआई, सेबी, ईडी, एसपीआईओ, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, सीबीआई, सबको क्या लकवा मार दिया? क्या दिख रहा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्थाएं क्यों चुप बैठी? इसीलिए ये हमारा काम है कि सरकार को पूछना। जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के पैसे की हिफाजत भी करे, उनके हकूक का रक्षण भी करे, और जो घोटाले हो रहे हैं देश में, इसका परिणाम जो आम जनता पे हो रहा है उसके बारे में पूछना हमारा फर्ज होता है। लेकिन हमको उन्होंने वहाँ पर ना कमिटी बिठाने की कहीं सम्मति दी, या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की उसको भी वहाँ पर बोलने की एक इजाज़त नहीं मिलने की वजह से हमारे लोग बहुत से वहाँ पर एजिटेट हो गए और वहाँ पर डिमांड किया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ बिठाओ बिठाओ, तो उन्होंने नहीं सुना। तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से वो 10 सवाल यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर खड़े कर दिए। लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कौन है? क्या तमाम एजेंसियां आप अडानी के पीछे लगेंगी? क्योंकि झटके बहुत लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। इसके साथ देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है रेड डली थी, लगातार बहुत कुछ मिला। इसके साथ देखा जाए तो हिंडनबर्ग के साथ फोर्ब्स, तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अडानी की पोल खोली है। इसके साथ देखा जाए तो 609वें नंबर पर अडानी थे, तीसरे नंबर पर अचानक कैसे आ गए, 8 सालों में कैसे क्या कुछ कर दिया, ये बड़ी बात है। जबकि 3 साल तो कोरोना काल के भी गिने जाएंगे, 3 साल तो सब कुछ चौपट रहा, सब कुछ ठप रहा, इसके बावजूद भी देखा गया कि अडानी का व्यापार जो था वो बड़े स्तर पर चलता रहा। कई सारी तस्वीर भी देखी गई जिसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के साथ नजर आते हैं, लॉर्ड जो जॉनसन के साथ नजर आते हैं, इसके साथ देखा जाए तो फ्रांस के साथ नजर आते हैं, प्रधानमंत्री के साथ नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां करती हैं कि अडानी और मोदी के संपर्क क्या है, और ये भी बयां करती हैं कि अडानी ने क्या पक्षपात किया है, क्या देश को धोखा दिया, ये तमाम चीज निकल कर आती है। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े किए हैं, इन सवालों से आप कितना सहमत हैं? और आप ये भी बताइए, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सवालों का आखिर जवाब कौन देगा? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।